तो दोस्तों इंतजार हुआ खत्म और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप 2023 का एक और घमासान मुकाबला हो चुका है शुरू। तो आखिरकार किसने जीता था इस मुकाबले में टॉस और कौन सी टीम कर रही है बल्लेबाजी और कौन बल्लेबाज पहुंच चुका है शतक के करीब। जी हां दोस्तों, सब कुछ दिखाने जा रहा आपको इस वीडियो के अंदर। लेकिन आपसे हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस मुकाबले को कौन सी टीम जीतने वाली है। तो दोस्तों हुआ कुछ यूँ, इस मुकाबले में कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और टॉस जीतते किया बल्लेबाजी करने का फैसला, जिसके बाद भारत के लिए ओपनिंग करने के लिए भारत के दो स्टार बल्लेबाज, एक एक्सपीरियंस से भरपूर तो दूसरा रॉ टैलेंट सुमन गिल। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और सुमन गिल की। इन दोनों खिलाड़ियों ने भारत के लिए जबरदस्त शुरुआत की। पहले विकेट के लिए भारत ने जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई, भारत को पहला झटका 111 रन पर जाकर के लगा। लेकिन गजब की बल्लेबाजी की सुमन गिल ने इस मुकाबले में, बेहतरीन बल्लेबाजी की, 69 रनों की पारी खेली सुमन गिल ने। लेकिन अगर हम बात करें भारतीय कप्तान की तो जबरदस्त बल्लेबाजी कर करके अभी भी क्रीज पर मौजूद थे कि विराट कोहली जब मैदान पर आते हैं तो विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में भी एक जबरदस्त पार्टनरशिप लगती है दूसरे विकेट के लिए। लेकिन बात करें हम रोहित शर्मा की तो भारतीय कप्तान पर काफ़ी ज़्यादा दामोदार है इस मुकाबले में। रोहित शर्मा की अगर हम बात करें, ये वो खिलाड़ी जिनको 2011 वर्ल्ड कप में बाहर कर दिया गया था, इनको खिलाया नहीं गया था क्योंकि पीयूष चावला को रोहित शर्मा की जगह पर खिलाया गया था। तो रोहित शर्मा जरूर चाहेंगे कि उस बार भले उस वर्ल्ड चैंपियन टीम के हिस्सा नहीं थे, लेकिन इस बार कप्तान बने तो भारत को वर्ल्ड कप जरूर जिताएंगे। तो भारत इस मुकाबले में बेहद शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर रहा है, लेकिन रोहित शर्मा के आउट होने के बाद जब क्रीज पर श्रेयस अय्यर आते हैं तो श्रेयस अय्यर ने भी शानदार बल्लेबाजी की विराट कोहली के साथ मिलकर। लेकिन सबसे खास बात ये रही इस मुकाबले की कि सुमन गिल ने भी अर्धशतक लगाया और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी अर्धशतक लगाया। लेकिन हम बात करें विराट कोहली की तो विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर से दुनिया को बताया कि वो क्यों किंग कोहली कहलाते हैं। विराट कोहली ने इस मुकाबले में शानदार शतक कंप्लीट किया अपना। लेकिन बात करें हम केएल राहुल की तो श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद जब केएल राहुल क्रीज पर आते हैं तो केएल राहुल ने भी भारत के लिए शानदार एक और इनिंग खेली। लेकिन हम बात अगर करें ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की तो हार्दिक पांड्या, हम सब जानते हैं कि हार्दिक पांड्या क्या काबिलियत रखते हैं, किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं। हार्दिक पांड्या ने गजब का फिनिश किया इस पारी को। हार्दिक पांड्या की इन 42 रनों की शानदार इनिंग की बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने इस मुकाबले में जड़ दिया 347 रनों का एक पहाड़ जैसा स्कोर। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की टीम 348 रनों को चेस करने के लिए मैदान पर उतरी तो ऑस्ट्रेलिया की खराब बेहद ही रही शुरुआत। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया, मिडल ऑर्डर में शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले में, पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हार का सामना